हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बिहार विशेष का सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा था, जिसमें मैंने सबसे पहले राज्य व्यवस्था से शुरू किया था। उसके बाद मैंने बिहार की ज्योग्राफी यानी बिहार के भूगोल से सेट प्रैक्टिस करवा रही थी, जिसमें मैंने 63 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया है आप लोगों के लिए। आज मैं उसके आगे के क्वेश्चन आपको बताऊंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बिहार की ज्योग्राफी यानी बिहार विशेष में जितने भी आने वाले एग्जामिनेशन में है बिहार के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बिहार ज्योग्राफी से नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बिहार में गंगा से मिलने वाली नदियां में कौन सा नाम गलत है। देखिए, जब भी मैंने आपको कहा था कुछ नहीं पूछा जाए, तो वहां पे एक राउंड कर दीजिएगा, गोल मार्क लगा दीजिएगा, ताकि उसे पता चल जाएगा कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसमें जो पूछा जा रहा है कि बिहार में जो गंगा से मिलने वाली नदियां हैं उनमें कौन सा गलत है। तो देखिए, गंगा से जो मिलने वाली नदियां, गंडक गंगा से मिलती है, सोन गंगा से मिलती है, कोसी गंगा से मिलती है, लेकिन जो स्वर्णरेखा नदी है ये बिल्कुल भी गंगा से आकर नहीं मिलती है। अब चलिए मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देती हूँ। तो देखिए, जो झारखंड की राजधानी रांची के ठीक दक्षिण छोटा नागपुर के पठार में लगभग 400 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, 400 किलोमीटर लंबी स्वर्ण रेखा की उत्पत्ति है, जो पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा होते हुए और बंगाल की खाड़ी में जाके समा जाती है, और इसी नदी को स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दिया कि इसमें स्वर्ण रेखा जो नदी का उद्गम है, जो झारखंड की राजधानी रांची से होता है और दक्षिण छोटा नागपुर पठार होते हुए 400 किलोमीटर की सफर तय करते हुए ये पश्चिम बंगाल उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अब आगे चलिए 65 क्वेश्चन। 65 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है। फिर से यहाँ नहीं कुछ पूछा गया, तो एक राउंड कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। तो देखिए, एक तरफ नदी का नाम है, दूसरी तरफ बिहार में मैंने आपको बताया था कि बिहार में टोटल 38 जिले हैं, उन 38 जिलों में से कुछ जिलों का नाम दिया गया है। तो देखिए, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा कि गलत नहीं है, तो सही जो आंसर हो जाएगा 65 का वो बी, यानी गंडक जो है वो बक्सर नदी। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि जो बाकी जो ये नदियां दिए हुए हैं और इसमें नगर दिए हुए के सही है, और अगर सही नहीं है तो आप इसको कूट को सही करके मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आगे चलिए 66 में जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला गंडक घाघरा दोआब में शामिल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है गंडक और घाघरा तो दोआब में शामिल है, बिहार का 38 जिला में से कौन सा जिला। तो देखिए, 66 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि सारण जिला शामिल है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार की शोक कहलाती है। मैंने आपको बहुत बार बताया है इसके बारे में, इस नदी का नाम मैंने बहुत बार बताया है, इससे रिलेटेड जितना भी इसका फैक्ट से मैंने बताया है आपको, अगर आप लोग देखे होंगे तभी तुरंत आपको आंसर पता चल गया होगा इसमें। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आपको बता देती हूँ। देखिए, कोसी नदी है। कोसी नदी जो है वो नेपाल के निकलती है, नेपाल इस कोसी नदी के 7 धाराएं होते हैं, इसीलिए इसका जो उपनाम है सत्य कौशिक कहा जाता है, और कोसी नदी मार्ग बदलने में बहुत माहिर होती है। और जो कोसी नदी है उत्तर बिहार की नदियां हैं, मैं आपको आज मैप भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। तो देखिए, मैप से मैं आपको बताने वाली हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको पता चल जाएगा, ये मैंने मैप निकाला है। तो देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी बीचों बीच से निकलती है, तो देखिए जहाँ कोसी है जो उत्तर बिहार की नदियाँ हैं, ऊपर में उत्तर है इस साइड और तो देखिए या नीचे में दक्षिण है। तो देखिए, उत्तर बिहार की जो नदियां हो गई वो कौन है, कोसी। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो कोसी नदी है वो उत्तर बिहार की नदियां हैं, और कोसी नदी को ही शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी बाढ़ के कारण बनती, बिहार में जितने भी बाढ़ जब भी बाढ़ आए हैं तो ये कोसी नदी ही मुख्य कारण बनी है। अब आगे चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य में कौन सा सिंचाई का साधन सार्वधानिक उपयोग में लाया जाता है। इसे पूछा जा रहा है कि बिहार में जो सिंचाई के जो साधन उपयोग होते हैं, सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग करके सिंचाई की जाती है, नहर का, तालाब का, नलकूप का, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ, 68 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी नहर। नहर द्वारा बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। और देखिए, नहरों द्वारा जो सिंचाई किया गया पूरा टोटल भूमि बिहार का, तो देखिए 30.7% के साथ है। तो इसको आप डाटा को आप लिख लीजिएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य के प्रमुख नहरों व उनकी नदियां के जोड़ों में से कौन सा गलत है। तो देखिए, इसमें पूछा जा रहा है फिर से
गलत है पूछा जा रहा है, कौन सा नहर और उनकी नदियों को जोड़ गलत है। तो देखिए मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ, राजपुर नहर, कोसी नदी, त्रिवेणी नहर, पुनपुन नदी, तिरहुत नहर, गंडक नदी, कमला नहर, कमला नदी। इसका जो सही आंसर 69 का हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि इनकी जो नदियाँ और जोड़े हैं इनमें गलत त्रिवेणी नहर पुनपुन नदी नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि त्रिवेणी नहर कौन से नदी पर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य में कोसी परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था। वही कोसी नदी जिस जो मार्बल डालने में बहुत माहिर है और बिहार में शोक नदी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पूछा जा रहा है कोसी नदी। तो मैंने आपको बताया था कि कोसी नदी का जो शुरुआत हुआ था 1954 से लेकर 1955, तो देखिए 1954 इसमें सही आंसर है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सोन बैराज परियोजना का निर्माण कहाँ से किया गया है, यानी सोन बैराज जो परियोजना है उसका जो निर्माण है वो कहाँ से किया गया है। तो 71 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी डेहरी केमिकल के पास से किया गया है, डेहरी केमिकल के पास से ये किया गया है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि बिहार की नदियां व उनके उद्गम स्थलों को सुमेल कीजिए, इसमें सुमेल करने के लिए बताया गया है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ, सुमेल में इसका जो कुट में सही आंसर हो जाएगा, कुट देख लीजिए आपको दिया हुआ है, इसका 72 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 1 का 3। मैंने आपको जस्ट अभी कहा था कि कोसी नदी सतकोसकी से निकलती है, तो 1 तो आपका यहीं पे सही हो गया, दूसरा का हो जाएगा 4। गंडक नदी ये है मानग मोटा के कुताब से निकलती है, और उसके बाद बाकी आप मिला लीजिएगा तो ये ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73, 73 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा नदी बिहार के गंगा में मिलती है। तो सारी नदियां दिया हुआ है, कूट के साथ दिया हुआ है कि कौन कौन से नदियां बिहार के गंगा में मिलती है, सबसे पहले कौन सी आती है। तो 73 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही है, गंडक नदी, सोन नदी, घाघरा नदी, पुनपुन नदी। मैं आपको बता देती हूँ, सोन नदी दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं, घाघरा नदी दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं, गंडक नदी उत्तर बिहार की नदियाँ हैं, और ये पुनपुन नदी भी दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं। तो ये 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 में पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, यानी बिहार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो नदी हो जाएगी वो सी हो जाएगी, यानी कि गंगा नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी ये है। गंगा नदी की टोटल लंबाई आपको पता है 25-25 किलोमीटर है, और बिहार में जो गंगा नदी की लंबाई है 4445 यानी 445 किलोमीटर के साथ है सफर करती है ये। अब देखिए नेक्स्ट 75 में पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य में कौन सी नदी सदा वाहिनी नहीं है, सदा वाहिनी यानी सदा बहने वाली नहीं है। तो देखिए सदा बहने वाली जो नदी नहीं है वो पंचाने नदी है, पंचाने नदी है जो सदा वाहिनी नदी नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जा रहा है इसमें कि बिहार के कुल सिंचित भूमि कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सिंचा जाता है। एक जगह आपसे पूछा गया था कुल सिंचित भूमि, जिसमें मैंने 30.7% बताया, अब यहाँ पूछा जा रहा है बिहार के कुल सिंचित भूमि कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचा जाता है। तो 76 का जो सही आंसर हो जाएगा 28.1%, यानी 28.1% के साथ ही ये बिहार में कुल सिंचित भूमि किया जाता है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि नहरों द्वारा, अब इसका डाटा थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ा सा डाटा इसका बढ़ गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा 30 पॉइंट के आसपास इसको रखिएगा, यानी 30% के साथ इसको थोड़ा सा रखिएगा, लेकिन अगर आप 2011 के डाटा के अनुसार आपका यही आंसर सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 पूछा जा रहा है कि बिहार के कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नलकूप द्वारा सींचा जाता है, यानी कि 77 में नलकूप द्वारा पूछा जा रहा है। तो देखिए नलकूप द्वारा जो सिंचित किया जाता भूमि है 77 को सही आंसर सी हो जाएगा 50%, लेकिन ये डाटा भी बढ़ गया है, मैंने आपको कहा था कि थोड़ा थोड़ा डाटा भी कभी कभी बढ़ जाता है। तो देखिए इस 77 का हो जाएगा 63% हो गया है, अब 63% हो गया। आप लोग मेरे जाके से बिहार में सिंचाई योजना जो मैंने वीडियो बनाया है बिहार स्पेशल पे, वो लोग जाके देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बहुत ही छोटा वीडियो है लेकिन बहुत यूजफुल है बिहार के लिए। अब चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है 78 में बिहार के भौतिक विभाग में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। फिर से नहीं है पूछा जा रहा है, तो नहीं है तो जोड़ दीजिए थोड़ा सा इस पे, क्योंकि इन पे इंपॉर्टेंट कुछ पूछा जा रहा है। तो देखिए, बिहार के भौतिक विभाग निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए इसको ऑप्शन, छोटा नागपुर पठार, पूर्वी गंगा मैदान, उत्तरी गंगा मैदान, दक्षिणी गंगा मैदान। तो 78 का जो सही आंसर हो जाएगा पूर्वी गंगा मैदान। ये भौतिकी विभाग विभाग हुए हैं, भौतिकी विभागों में बांटा गया है बिहार को, ये पूर्वी गंगा मैदान सही आंसर नहीं है। अब आगे देखिए 79, 79 में पूछा जा रहा है कि बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, यानी बिहार में जो मुख्य सिंचाई का साधन क्या है। तो मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से मैं इसको बता देती हूँ, मैंने जितने भी आपको बता रही हूँ ये जितने फैक्ट्स को मैंने एक जगह पेपर पे लिख रखा है उसी से बता रही हूँ। अब देखिए मैं इसको बता देती हूँ, तो 79 का आप देख लीजिए, सबसे पहले जो देखिए नलकूप है, फिर नहरें हैं, फिर तालाब हैं, फिर कुआं है, फिर पैन है, फिर आहर है और जलमग्न गड्ढे हैं। तो सबसे पहले आप समझ गए कि बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो नलकूप, नहरें, तालाब, कुआं, पाइन, आहर और जलमग्न गड्ढे हैं। तो देखिए इसमें जो सब हो जाएगा, तो देखिए बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या पूछा, साधन आपका मुख्य पूछा जा रहा है। तो 79 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी नहरें सबसे ज्यादा होते हैं, उसके बाद नलकूप आते हैं, उसके बाद तालाब आते हैं, तालाब के बाद कुएं आते हैं, कुएं के बाद पाइन और जलमग्न वगैरह गड्ढे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है देखिए कि त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है। तो त्रिवेणी नहर मैंने आपको बताया था, त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है, आप लोगों को पता होगा तो आपको आंसर आपको मालूम चल गया होगा, लेकिन चलिए मैं आप बता देती हूँ। तो त्रिवेणी नहर वो गंडक नदी से निकलती है, गंडक नदी या त्रिवेणी नदी नहर कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और गंडक नदी परियोजना कब शुरुआत हुआ था ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था। चलिए अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, तो गंडक नदी परियोजना जो शुरू हुआ था ये 1904 में हुआ था, ये त्रिवेणी नहर परियोजना 1904 में हुआ था, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए 81 में पूछा जा रहा है कि गंगा के उत्तरी मैदान में बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, यानी गंगा का जो उत्तरी मैदान है ऊपर वाला भाग, देखिए मैं आप लोग के लिए मैप बनाई हूँ तो आप लोग को शायद पता चल जाएगा। तो देखिए जो ऊपरी वाले भाग है, यानी कि ऊपर में नेपाल है, तो ऊपर वाले जो भाग है आपको छोटा वाला मैप दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। तो देखिए जो ऊपर वाली भाग है, बीच से गंगा नदी बहती है, ऊपर वाले भाग को उत्तर बिहार, नीचे वाले भाग को दक्षिण बिहार, इधर पूरब हो जाएगा और इधर पश्चिम हो जाएगा। पूर्व में बंगाल है और पश्चिम में आपका ये उत्तर प्रदेश है। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है आपसे ये क्वेश्चन कि गंगा के उत्तरी मैदान बिहार में कितना क्षेत्रफल विस्तृत है। तो 81 का जो सही आंसर हो जाएगा 56,980 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है बिहार में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। तो देखिए बिहार में प्रथम, कल ही मैंने आपको बताया था इसके बारे में, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इस सोन परियोजना है। सोन परियोजना का शुरुआत 1874 ईस्वी में किया गया था, ब्रिटिश काल के समय में हुआ था और इसमें एक शक्ति गृह भी बनाया गया है। शक्ति गृह जो सोन नदी परियोजना पर बनाया गया है उसका जगह का नाम है डेहरी, यानी डेहरी में एक शक्ति गृह बनाया गया है। कहाँ? तो सोन परियोजना पे। ये एक प्रथम बहुउद्देशीय योजना थी बिहार का जो 1874 में शुरू हुई थी। अब इसको माइंड में एकदम रख लीजिएगा क्योंकि इससे लगातार क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए उसे पूछा जा रहा है कि चंदन जलाशय किस जिले में है। देखिए जलाशय यहाँ दो तीन जलाशय हैं बिहार में, लेकिन चंदन जलाशय कहाँ है तो मैं आपको बता देती हूँ। चंदन जलाशय जो है वो आपको हो जाएगा सही, इसका जो आंसर हो जाएगा 83 का ए, यानी कि भागलपुर में स्थित है। भागलपुर में ही चंदन जलाशय स्थित है और चंदन जलाशय पे अभी अभी श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कुछ काम किया गया है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो लगातार पेपर एंड न्यूज पढ़ रहे होंगे उनको पता चल गया होगा कि क्या काम किया गया चंदन जलाशय पर, ये COVID-19 में किया गया था। अब आगे देखिए नेक्स्ट 84 में गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी है, यानी गंगा के जो सहायक नदी है, गंगा के जितनी भी सहायक नदी, कोशी नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कर्मनाशा नदी, सुपुनपुन नदी, सारे के सारे जो है वो सहायक नदियां आती हैं, इसमें जो सबसे बड़ी सर्वाधिक सहायक नदी है 84 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोशी नदी। कोशी नदी जो है वो सबसे सहायक नदी है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा में मिलने वाली पूर्व कौन सी नदी स्वयं डेल्टा का निर्माण करती है, यानी कि डेल्टा बनाती है। ऐसी कौन सी नदी है जो पूर्व से आती है और स्वयं डेल्टा का निर्माण करती है। तो 85 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कोसी नदी ही है जिस पर डेल्टा का निर्माण करती है, वो पूर्व से आती है। यानी कि थोड़ा सा आपका जो मैप में है, थोड़ा सा आप देखिएगा तो कोसी नदी आपको दिख रहा होगा। देखिए इधर जो है पूर्व आता है,
और देखिए कोशी नदी है, थोड़ा सा हटके जा थोड़ा जाता है, इसे पूर्व से थोड़ा सा मिल जाता है आके यहाँ पर, तो इसीलिए इसे पूर्व की नदी भी थोड़ा सा बोला जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये जो कोशी नदी है ये डेल्टा डेल्टा बनाती है और ये गंगा से मिलने वाली सबसे पूर्व पूर्व जो है वो कोशी नदी है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार में कौन सा जिला संवैधानिक वन रक्षित है, यानी वन वाला सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो है वन रक्षित वाला है वो कैमूर है। अब मैं आपको एक डाटा बता देती हूँ, देखिए टोटल वन क्षेत्र यानी बिहार का टोटल वन क्षेत्र 7.76% के साथ है, इसको आप ध्यान रखिएगा 7.76% के साथ है। और सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं कैमूर में। इसके अलावा दो और ज़िले हैं बिहार के जिसमें वन पाए जाते हैं, पहला कैमूर, दूसरा पश्चिमी चंपारण और तीसरा रोहतास। इसको आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा तो कैमूर, और अगर बिहार के तीन जिले पूछे जाएंगे तो आपको बोलना पड़ेगा कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास याद रखना पड़ेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में सावधानिक क्षेत्र में वन कौन से वन पाए जाते हैं, यानी कि बिहार में जो जो वन पाए जाते हैं जिसके प्रतिशत 7.76% है, सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं तो देखिए वो वन पाए जाते हैं आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। आज सदाबहार वन नहीं है, यहाँ शुष्क पतझड़ वन नहीं है, शुष्क वन नहीं है बल्कि आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, इसको आप ध्यान रखिए। और आर्द्र पतझड़ वन में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा, तो देखिए शीशम, सेल, साल और खैर वगैरह सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब देखिए 88 में पूछा जा रहा है कि बिहार में आर्द्र पर्ण पतझड़ वनों में से कौन सा वृक्ष सावधानिक उगता। अभी जस्ट मैंने इसका आंसर आपको बता ही दिया कि आर्द्र वन पाती वन जो बिहार में है सबसे ज़्यादा जो पेड़ पाए जाते हैं, तो उसमें मैंने अभी जनाम लिया शीशम, सेल, खार। तो ये देखिए इसमें जो सही आंसर 88 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी साल, साल वगैरह ये सब पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा साल पाए जाते हैं, उसके बाद आपका हो जाएगा शीशम और खैर हो जाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा इसमें साल, तो साल को सही आंसर माना गया है यहाँ पे। अब देखिए उसमें पूछा जा रहा है बिहार राज्य में वनस्पति क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है, वनस्पति क्षेत्र बिहार में वनस्पति के क्षेत्र है उसमें कौन सा शामिल नहीं है। फिर से आपसे पूछा जा रहा है नहीं है, तो नहीं क्या शामिल है, तो मैं आपको बता देती हूँ 89 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी सदाबहार वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं, तराई वन भी थोड़ा बहुत पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं और आर्द्र पतझड़ वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन सदाबहार वन पाए नहीं जाते हैं। अब 90 क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि भीम बांध अभ्यारण्य स्थित है। अब देखिए आपका ये अभ्यारण्य से क्वेश्चन आने लगा है, तो देखिए भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो आपको अच्छे तरीके से पता है ये मुंगेर में स्थित है, बिहार का 38 जिला में से मुंगेर में जिला है। और कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, देखिए मैं आपको बताती हूँ ये जो क्षेत्रफल है इसका टोटल क्षेत्रफल है इसका 68.21% के साथ है, ठीक है, यानी कि 68.21% के साथ इसका है, मैं आपको अच्छा से लिख देती हूँ 21% के साथ है। और इसमें जो पाए जाने वाले जो जानवर है तेंदुआ, भालू, चीतल, भेड़िया हैं। और इसका जो ओपनिंग हुआ था यानी सबसे पहले जो हुआ था ये 1776 ईस्वी में किया गया था, 1776 ईस्वी में इसे ये पहला जो भीम बांध अभ्यारण है इसका शुरुआत किया गया था। इसका क्षेत्रफल 68.21% के साथ है और इसमें जो जानवर जो पाए जाते हैं यानी कि तेंदुआ, भालू, चीतल, भेड़िया ये सब पाए जाते हैं और ये मुंगेर जिले में, बिहार के 38 जिलों में से मुंगेर जिले में है। तो जितना भी मैंने अभी आपको फिर से 35 से 40 के आसपास मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैंने आपको फैक्ट्स बताया है इस सारे के सारे फैक्ट्स अगर आप अच्छे तरीके से माइंड में रख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बिहार के ज्योग्राफी से नहीं छूटेगा अगर एग्जाम में आ गया तो। और इसी तरीके से अभी लगातार आपको मैं बिहार ज्योग्राफी के क्वेश्चन करवाऊंगी, कम से कम 500 क्वेश्चन करवा दूंगी सिर्फ बिहार ज्योग्राफी से, और सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जो जो फैक्ट्स अगर आपको पता है उसको आप छोड़कर जो फैक्ट्स आपको नहीं पता है जो मैंने अभी बताया है आपको उसको आप जरूर लिख लीजिएगा, और जिसमें मैंने आपको ईस्वी वगैरह बताया है कि शुरुआत कब हुई ये आप जरूर याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चन एग्जाम में बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं लगातार। आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो आप उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक है तो उठा के देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। और जिन स्टूडेंटों के पास अगर नहीं क्वेश्चन बैंक अभी तक खरीदे हैं वो लोग जाके खरीद लीजिए, और मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि घटना चक्र सबसे पहले आप खरीदिए, घटना चक्र से आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा। तो चलिए अब आज के लिए बिहार के जो सेट प्रैक्टिस था बिहार विशेष में
बिहार के भूगोल से। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता होगा, मेरा बताना आपको अच्छा लगता होगा, मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा, तो आप लोग मेरे मुझे भी कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सर जो जो भी सब्सक्राइब करेंगे स्टूडेंट, वो लोग बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि मेरे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन उनको आसानी से मिल जाए। तो चलिए आज के लिए बिहार विशेष में बस इतना ही। फिर कल नए क्वेश्चन और नए जोश के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।